जनरल सा सवाल है आचार्य जी, कि अभी हम ये उपनिषद पढ़ रहे हैं और आपसे समझ रहे हैं, तो ये बार बार आप बता रहे हैं कि जब पढ़ो ब्रह्म और परमात्मा के बारे में तो अपनी और देखो, लेकिन ये यदि कोई अलग से बैठ के पढ़ता है, फ्रेश मन से पढ़ता है, तो ये मुश्किल होता है। तो उस संदर्भ में यदि किसी को बोला जाए कि नहीं आप पढ़ें, तो सिर्फ उपनिषद पढ़ने का बिना किसी गुरु के सानिध्य में, उससे मतलब कितना लाभ होगा? नहीं तो उपनिषद तो देखिए उपकरण है ना, और उनका आविष्कार खास तरीके से प्रयुक्त होने के लिए हुआ था। उपनिषद तो लिखे भी बहुत बाद में गए, पहले तो परंपरा श्रुति की ही थी। तो ऐसा तो सोचा ही नहीं गया था कि कोई व्यक्ति उपनिषद नामक ग्रंथ लेकर के स्वाध्याय करेगा। स्वाध्याय करना माने खुद पढ़ना। तो ऐसा तो कल्पित नहीं था। पूरी बात ही यही थी कि गुरु के निर्देश तले ही इनको पढ़ा जाएगा। और जब कोई समझाने वाला होता है तो एक ही श्लोक के श्रोता के अनुसार वो अलग-अलग अर्थ दे पाता है। सुनने वाले लोग एक प्रकार के हैं तो एक तरीके से समझाया जाएगा, दूसरे तरीके के लोग हैं सुनने वाले तो दूसरे तरीके से समझाया जाएगा। तो सारी रचना ही इन ग्रंथों की इस तरीके से की गई थी कि एक जीवित चेतना शिष्य के सामने होगी, जो शिष्य को देख सकती है, समझ सकती है, उसकी जीवन स्थिति से परिचित हो सकती है, और फिर उसकी जीवन स्थिति के अनुसार वो श्लोकों का वर्णन और अर्थ कर सकती है। स्वाध्याय में कुछ खतरा तो निश्चित रूप से है। लेकिन बिल्कुल ही न पढ़ने से तो बेहतर है कि स्वाध्याय ही कर लो। अंततः तो सब कुछ अपने मन की शुद्धता पर निर्भर करता है। मन की शुद्धता से मेरा आशय है अभीष्ट की शुद्धता, इरादे की शुद्धता, नीयत साफ है कि नहीं। अगर नीयत साफ है और आप उपनिषद पढ़ने बैठें और न समझ में आए, तो आपको स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा कि आपको मार्गदर्शक की आवश्यकता है। और नीयत साफ नहीं हो, आप पढ़ने बैठें न समझ में आए, तो या तो आप कह देंगे कि ग्रंथ ही बेकार है, मुझे समझ में नहीं आता, या फिर अपने मन मुताबिक कोई ऊल जलूल अर्थ श्लोक के ऊपर प्रक्षेपित कर देंगे। आप कहेंगे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम तुक्का लगा लेते हैं कि ऐसा ही कुछ अर्थ होगा। अपने हिसाब से आप उसका कुछ अर्थ बैठा लेंगे और संतुष्ट होके प्रसन्न होके अगले श्लोक पर पहुंच जाएंगे। तो ये खतरे रहते हैं अशुद्धि के साथ आगे बढ़ने में। कोई अगर समझाने के लिए सामने बैठा है तो निश्चित रूप से ये खतरे कम हो जाते हैं। आचार्य जी, आपने कहा कि उपनिषद जिन से कहे गए थे उनके चित्त बहुत संवेदनशील थे और वो अपने मन के हाल से लगातार परिचित रहते थे। संवेदनशीलता
अगर मन के हाल के प्रति रखनी है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मन के हाल के प्रति भी संवेदनशील रहें और जो रोज़मर्रा के काम हैं वो भी पूरी गति के साथ करते रहें? नहीं तो सवाल ही उल्टा है ना। रोज़मर्रा के काम, सही कामों की बात कर रहा हूँ, रोज़मर्रा के व्यर्थ के काम तो आप जाने, उसका मुझे पता नहीं। पर अगर सही काम है आपके पास रोज़ाना और वो आपसे नहीं होते, तो उसकी वजह ही यही है कि आप संवेदनशील नहीं हैं। आपसे काम हो ही इसीलिए नहीं रहा ना, क्योंकि आप में ये संवेदनशीलता, ये सेंसिटिविटी ही नहीं है कि ये काम कितना ज़रूरी है। आपको ये पता हो कि ये काम कितना संवेदनशील है, तो आप उस काम के साथ कोताही, गुस्ताखी, धृष्टता कर कैसे लोगे? अभी कुछ दिन पहले आप में से एक ने मुझसे बड़ी शिकायत करी, बोले आप डांटते बहुत हैं। मैंने कहा मैं डांटता हूँ तो कोई वजह तो होगी ना? बोले हाँ वजह तो होती है, लेकिन आप छोटी छोटी वजहों पर बहुत ज़्यादा डांट देते हैं। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता वजह छोटी थी? तुम्हें कैसे पता कि वो गलती छोटी है, ये तुम्हें कैसे पता? बात बस इतनी सी है कि संवेदनशीलता नहीं है, है ना? जैसे कि कोई सितार हो और उसको मैं उंगली से जरा सा छेड़ दूं तारों को तो झनझना उठेगा। छोटी सी चीज हुई है, वो समझ जाएगा कि बहुत बड़ी बात है, वो झनझना उठेगा। और ईंट पड़ी हो बहुत सारी और उसको मैं बजाता भी रहूं तो उसमें से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आएगी। संवेदनशीलता का मतलब है ये पता होना कि जो आप काम कर रहे हो इतना ज़रूरी है कि उसमें थोड़ी सी ढील, थोड़ी सी कोताही बहुत भारी पड़ रही है। कोई बिल्कुल मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है और डॉक्टर आपको कहता है कि नीचे जाओ भाग करके और डिस्पेंसरी से ये दवाई ले आओ, बड़ा अस्पताल है, ठीक है? और डॉक्टर की उम्मीद है कि आप नीचे जाओगे और 3 से 4 मिनट के भीतर ले आओगे। उसने तो उम्मीद ये करी कि आप भाग के जाओगे नीचे, वहाँ डिस्पेंसरी में भी शोर मचा दोगे कि ऊपर कोई बिल्कुल मर रहा है, डॉक्टर ने बोला जल्दी से दवाई दो, सबसे पहले आप दवाई लोगे। दवाई अगर 400 रुपये की है तो आप 500 का पत्ता फेंकोगे, 100 रुपये वापस लेने के लिए भी नहीं रुकोगे, भागते हुए आप ऊपर आओगे और जल्दी से डॉक्टर को दवाई दे दोगे। और आप नीचे गए, आपने तसल्ली से पहले तो 10 मिनट में दवाई ली कतार में खड़े होके। भाई आपने कहा नियम यही है ना, कतार में खड़ा हूँ तो मैं नियम का ही तो पालन कर रहा हूँ, मैंने कोई गलती थोड़ी करी है, मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना लगाया कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ, मैं तो नियम का पालन कर रहा हूँ। उसके बाद डिस्पेंसरी से बाहर निकले तो कैफ़े था, आपने कहा इतना भाग के नीचे आया तो मैं थक भी तो गया हूँ, तो अब तो इंसाफ की बात है कि एक समोसा खाऊंगा। आपने तसल्ली से वहाँ 15 मिनट बैठ के समोसा खाया और उसके बाद आप डॉक्टर के पास पहुँचे और डॉक्टर से आप कह रहे हैं कि आपके पास कुल 25 मिनट में दवाई ले तो आया हूँ, आप मुझे डांट क्यों रहे हो? डॉक्टर ने कहा तुमने देर कर दी ना। आप बोल रहे हो देर करी तो है, पर थोड़ी सी देर करी है, आप मुझे इतना ज़्यादा क्यों डांटते हो? तू सेंसिटिव नहीं है, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि मामला कितना संवेदनशील है। वो मर गया, बस वहां जो मर गया वो एक जीवित स्थूल प्राणी था तो तुमको लाश दिखाई दे जाएगी। रोजमर्रा के कामों में जब तुम भ्रष्टाचार करते हो, बदनीयती करते हो, तो जो मर रहा है वो सूक्ष्म है, तुमको दिखाई नहीं देता तुम्हारी स्थूल आंखों से। या ये कहो कि बेईमानी के चलते तुम देखना नहीं चाहते तो तुम स्वीकार ही नहीं करते कि तुम हत्यारे हो, तुमने जान ले ली किसी की,
उल्टे तुम शिकायत करने आ जाते हो कि आचार्य जी आप मुझे इतना डांटते क्यों छोटी छोटी बातों पर। वो छोटी बातें हैं, तुम्हें कैसे पता कोई चीज छोटी है बड़ी है? पैमाना क्या है तुम्हारे पास, मुझे समझाओ। तुम किसी चीज को छोटा और किसी को बड़ा घोषित कैसे करते हो, मुझे समझाओ। तुम्हें कैसे पता कि तुमने बस एक छोटी सी भूल कर दी है? मेरी नजर में बहुत बड़ी भूल है। तुम्हें कैसे पता वो भूल छोटी है? सिर्फ बात यह है कि तुम वीणा के तार नहीं हो, तुम कोल तार हो, जिस पर कितना भी पांव पटक लो चिप चिप हो सकती है, कोई झनकार नहीं उठती। अभी क्या प्रश्न है कि संवेदनशील होते हुए भी रोजमर्रा के काम कैसे सही रखें? यह तो पूछा ही नहीं कि रोजमर्रा के काम खराब क्यों हो रहे हैं। जिसको खबर होगी कि क्या चीज दांव पर लगी हुई है, वो आलस, बेईमानी, कोताही, झूठ, फरेब, ये सब कर कैसे लेगा? एक वीडियो था, कृष्णमूर्ति बोल रहे थे, अचानक से वो बिल्कुल फनफना जाते हैं और बोलते हैं सच लवलेस पीपल। यही है, लवलेस हो, प्रेम की कमी है। प्रेम क्या होता है तुम्हें पता ही नहीं। प्रेम का मतलब होता है कीमत देना किसी चीज को, तुम कीमत देना जानते ही नहीं। तुम्हारे लिए तुम्हारे ये छोटे छोटे दुर्गुणों की और दुर्गंधों की बहुत कीमत है, तुम इन्हीं में लिपटे रहते हो बस। कुछ है जो तुमसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसकी बहुत बड़ी कीमत है, तुम्हें समझ में ही नहीं आता। तुम्हें लगता है जैसे तुम हो वैसे ही दुनिया के सब काम है, मूल्यहीन। सच लवलेस पीपल। तुमने एक चीज जो 6 महीने पहले हो सकती थी उसे 6 महीने विलंबित करा दिया। तुम मुझे बताओ ये छोटी सी भूल कैसे है? तुमने 6 दिन भी अगर उसमें देर करा दी तो ये छोटी सी भूल कैसे है, मुझे बताओ। तुम्हें दवाई लाने भेजा गया था, तुम कतार नहीं तोड़ पाए, तुम कानून का पालन कर रहे थे, छोटी सी भूल कैसे है? तुम काम पर गए थे, तुम समोसा खा रहे थे, ये छोटी सी भूल कैसे है? महत्व ही नहीं समझ रहे ना। महत्व देना और प्यार करना एक बात होती है, बिल्कुल जानते हो ना। प्यार उसी से कर सकते हो जिसको, और तो कोई प्यार का काबिल होते ही नहीं। और किससे प्रेम करोगे, किसी महत्वहीन चीज से? मूल्य व्यवस्था ही विकृत है, फ्लॉड वैल्यू सिस्टम। समझते ही नहीं हो क्या वैल्यूएबल है, क्या वर्थलेस है। जिस चीज की 2 कौड़ी कीमत नहीं उससे लिपटे रहते हो, जो असली चीज है उससे मुंह चुराते रहते हो, और उसी बेईमानी का नतीजा ये है कि चेहरे पर भय साफ दिखाई देता है। भय ही मौत है। बिना बेईमानी के जी करके तो देखो, ठसक के साथ जीने का मजा दूसरा होता है। फिर मुंह छुपाते नहीं फिरते पड़ना पड़ता है कि यहां से डर रहे हैं, वहां छुप रहे हैं।